you basically do this experiment first of all, beta. Experiment we are to complete is to verify Archimedes' principle, beta. Archimedes' principle किस तरीके से वेरीफाई करना है, आइए बेटे फोकस करें। इसमें हमें कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे हम बेटा इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेट अस बेटे बिगिन विद दिस ऑल। आपको बेटे इसमें जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है, ऑपरेटर्स में आपके पास बेटे एक ओवरफ्लो वेसल जैसे आपने पहले किया ही हुआ है, ए ग्रेजुएटेड का मतलब होता है मयरिंग सिलेंडर, और फिर आपको बेटे वाटर चाहिए होगा इसमें, एंड आपको स्प्रिंग बैलेंस चाहिए होगा, स्प्रिंग बैलेंस, और बेटे आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए कॉर्क एटसेट्रा। ये बेटे सारा ऑपरेटर्स जब आप इसको एज सच बेटे यूज करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए, तो आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये इंडिकेट करना है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स कर देते हो पार्शियली या कंप्लीटली बेटे, देन देयर इज लॉस इन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेट मी राइट बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये स्टेटमेंट पार्ट इसका क्या है बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है इट स्टेट्स दैट when an object is completely or partially immersed in a liquid, there is loss in the weight of the object। और बेटे जो लॉस हो जाता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट में, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बेटे, सो वी कैन ऑल्सो से दैट द लॉस इन द वेट of object, it is equal to the weight of liquid displaced। आपने किसी object का weight बेटे सबसे पहले air में find out कर लिया, फिर उसका weight आपने liquid में find out कर लिया, लिक्विड में उसका जो वेट है वो कम आएगा, एयर में ज्यादा होगा, लॉस आपका यहां से निकल जाएगा, एयर में जितना वेट है उसमें से आप उसके इन द लिक्विड वेट वाली रीडिंग को माइनस कर दीजिए, दैट विल बी द लॉस इन द वेट बेटा। इसके बाद आप क्या करिए, लॉस इन द वेट जब आपके पास निकल जाएगा, आप बेटे जो लिक्विड आपने कलेक्ट किया है कलेक्टिंग सिलेंडर में, उस लिक्विड का भी आप वेट जो है वो फाइंड आउट कर लीजिए, आपके पास बेटे आपका जो है प्रूव हो जाएगा बेटा। सो आई मीन टू से दैट W1, इफ इट इज द वेट इन एयर, एंड W2 वेट इन वाटर, देन W3 वेट of water displaced, तो आपका बेटे जो weight of the
लिक्विड W3 है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, ये बेटे आपका जो है इट विल बी इक्वल टू W1 वेट इन एयर माइनस W2 वेट इन द लिक्विड, दैट इज दिस वेट ऑफ द वॉटर डिस्प्लेस्ड जो है दिस इज इक्वल टू द लॉस इन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बेटे. सो W3 this is equal to loss in the weight of object. एक बार बेटे फिर से समझो मैं कहना क्या चाहता हूं. आपने अपने ऑब्जेक्ट का वेट बेटे जो है वो सबसे पहले एयर में निकाल लिया, उसको आपने W1 बोल दिया, फिर आपने उसको पानी में डिप किया, वो जो वेट है उसको आपने W2 कह दिया. पानी में वेट कम होगा because of the buoyant force acting on the liquid, on the sorry object. Air में और पानी में जो weight आए हैं इनका difference note कर लीजिए, that is the loss in the weight of the object. और वो होगा किसके बराबर, जितना आपका पानी overflow vessel में से overflow कर गया है वो पानी का weight निकाल लीजिए, आपके पास बेटे ये चीजें जो है ये आ जाएंगी. एक बार मैं आपको ये करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको बेटा अदरवाइज भी ये सारे का सारा समझा देता हूं. आइए मैं एक रीडिंग लेकर आपको ये सारा बेटे बता देता हूं. आइए फोकस करें. डियर चिल्ड्रन, ये आपके पास ओवरफ्लो वेसल है और आप इसको ऑलरेडी अपनी लेबोरेटरी में इसके साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर भी चुके हैं. ये आपका स्प्रिंग बैलेंस बेटा, आप ऑलरेडी कर चुके हो इसको भी, और ये आपका बेटे कॉर्क जिसका आप वेट एयर में फाइंड आउट करना चाहते हैं. सो डियर चिल्ड्रन, लेट अस गो फॉर विद द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास बेटे 40 पे ये इंडिकेट कर रहा है पॉइंटर. सो यू माइट बी व्यूइंग दिस पॉइंटर, इट इज इंडिकेटिंग 40 ग्राम. This is the weight of the object in air. तो ये बेटे 40 ग्राम W1 आपको मिल रहा है. So dear children, W1 this is equal to 40 ग्राम. अब बच्चों मैं क्या करता हूं कि इसको डिप कर देता हूं वॉटर में बेटे. वॉटर में जब मैं इसको डिप करूंगा तो इसके इसके इसने जो वाटर डिस्प्लेस करना है वो मुझे कलेक्ट भी करना पड़ेगा. और आई हैव दिस स्मॉल सिलेंडर विद मी, आई हैव प्लेस्ड इट ओवर हियर. कोशिश करता हूं आपको दिखाने की दिस वे बेटे. तो ये पड़ा है वो हमारे पास ओवरफ्लो वेसल बेटा, और हमने ये देखिए इसको इसमें डिप किया और साथ ही ये लिक्विड डिस्प्लेस हो गया बेटा. और अगर आप रीडिंग देखोगे इस केस में तो ये बेटे आपके पास जो है रीडिंग इस टाइम पर प्रेजेंटली इसकी बेटे 20 ग्राम जो है ये बेटे रीडिंग आ रही है इसकी, जब आपने इसको डिप किया. एंड अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस जो है ये आपका स्लाइटली लेस देन 20 है. लेट मी अगेन फोकस अपॉन द कंटेंट्स बेटे. सो ये डियर चिल्ड्रन ये देखिएगा, दिस इज द लिक्विड कलेक्टेड. अगर आप ध्यान से देखो तो ये 20 सेंटीमीटर के मार्क हेयर इट इज विथ, ये 20 सेंटीमीटर के मार्क तक जो लिक्विड है ये कलेक्ट हो गया है. 20 सेंटीमीटर के मार्क तक कलेक्ट होने का मतलब है कि आपका लिक्विड का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो हमारा बेटे इस केस में अगर आप वॉल्यूम इतना ले रहे हो, मास आप निकालना चाहते हैं, मास बेटे आपका जो है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के बराबर हुआ करता है. दिस इज वेल नोन टू यू. और पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. तो आपका इस केस में जो बेटे लिक्विड का मास डिस्प्लेस हुआ है, दिस इज 20 वॉल्यूम है, 1 इसकी डेंसिटी है, 20 ग्राम के बराबर का आपका लिक्विड कलेक्ट हो गया. इसका मतलब है कि मेरे पास बेटे वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो है W3 20 ग्राम है.
इसको आप बेटे जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो असल में वेट वो बनेगा, हम इसको कैलिब्रेटेड स्केल में मास के बराबर ले रहे हैं। और दूसरी रीडिंग W2 की मैंने आपको बेटे 20 ऑलरेडी बता दी थी, सो ये आप व्यू कर सकते हो कि आपका जो W1 वेट इन द एयर माइनस W2 वेट इन वाटर जो है, दिस इज एग्जैक्टली टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू W3। दिस इज 40 माइनस 20, ये आपका 20 था, सो 20 आपका इसके बराबर आ गया। सो दिस वेरीफाइज योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेटा। फिर से पुत्र सारा समझिएगा एक बार, आपने क्या किया, एक ओवरफ्लो वेसल लिया, ओवरफ्लो वेसल में आपने पानी ओवरफ्लो लेवल तक भर लिया और आपने अपने कॉर्क का वेट एयर में नोट कर लिया विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। दो स्केल्स हैं बेटे इसके ऊपर बने हुए, एक तरफ ये ग्राम लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है न्यूटन। मैंने ग्राम वाला स्केल पढ़ा है, आपको अगर न्यूटन वाला पढ़ना है आप वो भी पढ़ सकते हैं, तो दोनों आपकी स्केल्स इक्विवेलेंट हैं। अगर मैं इधर न्यूटन में लिख दूंगा तो मेरे पास ये इसकी इक्विवेलेंट मैं लिख ही देता हूँ बेटे, क्यों इसको छोड़ना बात को। मेरे पास पॉइंट ये बेटे 2 न्यूटन आ जाता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे पास 0.4 न्यूटन आएगा और ये मेरे पास 0.2 न्यूटन है। आप इनको यूज करिएगा बिकॉज हम वेट की बात कर रहे हैं, वाई टू बी यूजिंग द सेम इन टर्म्स ऑफ मास। ये आपके पास ये भी मैं कर ही देता हूँ बेटा, दिस इज 0.4 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। सो आपका बेटे 0.2 न्यूटन 0.2 न्यूटन के बराबर ही आ जाता है और आप अपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को वेरीफाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से बेटा। सो इन दिस मैनर बेटे हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस उत्तर। ओके बेटे, मैं बेटे ना कोशिश करता हूं आपको इसको अदरवाइज सिमुलेशन पे दिखाने की, एक मिनट वेट करिए। हाँ ठीक है जी, थैंक यू। देखिएगा बेटा एक बार, ये बेटे आपका सारे का सारा सेटअप, इट मस्ट बी विजिबल टू यू ऑन द स्क्रीन बेटे। दिया बेटा, लवलीना दिया, यस सर विजिबल। ओके बेटा, ये बेटे देखिए आपका स्टैंड उन्होंने दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल सेटअप में बेटे, और ये आपको देखिए वही आपका स्प्रिंग बैलेंस, ये न्यूटन में ये ग्राम्स में दे रखा है, और ये देखिए उन्होंने आपको दिया हुआ है कि आप सिलेक्ट कर लीजिए एनवायरनमेंट कौन सा है। हमारा अर्थ का एनवायरनमेंट है, वी सिलेक्ट दिस, देन वी हैव एयर, वी सिलेक्ट दिस एयर एज सच, देन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड फुली। इट्स नॉट वर्किंग बेटे, यस, सो रीसेट करके देखते हैं इसको। और इसके बाद बेटे आप सिंपली इसको जब इमर्स करोगे तो जिस हिसाब से हमने बेटे ये सारे का सारा कंटेंट किया है ऑलरेडी, ये बिल्कुल उसी तरीके से बेटे आप इसको व्यू कर पाएंगे। अब एक मिनट में कोशिश करता हूँ बेटे वीडियो वर्कआउट करने की, इफ आई फाइंड दिस वीडियो। यस बेटे, इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल? दिया बेटा, दिया लवलीना, यस सर, व्यू करिएगा बेटे। That when a body is partially or partially immersed in water, it experiences an upthrust equal to the weight of the fluid displaced. That is, when an object is immersed in water, it feels lighter. The buoyant force does not depend on the weight or shape of the submerged object, only on the volume at the innermost part of the object. Archimedes principle can also be applied to an object of density greater than that of the liquid. If the density of the object is greater than that of the fluid, the object will sink. If the density of the object is equal to that of the fluid, the object will neither sink nor float. If the density of the object is less than that of the fluid,
the object will float. A. The experimental verification of the Archimedes principle by immersing an iron block into tap water and saturated salty water. Materials required: iron stand, spring balance, iron block, wooden base, digital balance, water, overflow can, 200 ml beaker, salt, glass rod, and spatula. Procedure: hang the spring balance from an iron stand and note the reading of the spring balance. Place an overflow can filled with water on the wooden base. Now, hang the block from the spring balance and again note the reading of the balance. Place an empty beaker on the digital balance. Note the reading of the digital balance. Adjust the object holder on the iron stand to bring the spring balance with the suspended iron block down into the overflow can. Immerse the block fully in the water. The weight of the water displaced from the overflow can to the beaker is equal to the loss in weight of the block in water. Note down the reading of both the spring balance and the digital balance. Calculate the loss of water and up thrust using the formula. Loss in weight of the body is equal to mass of block in air minus mass of block in water multiplied by acceleration due to gravity. Up thrust is equal to volume of block multiplied by density of water multiplied by acceleration due to gravity. Preparation of saturated salty water. Take 200 ml water in a beaker. Put some salt in the water and stir well. Continue to add salt till such salt is left undissolved in the water. Make sure that you stir the water well after each addition. Fill the overflow can with prepared salty water. Place it on the wooden base. Place an empty beaker on the digital balance and note down the reading of the digital balance. Hang the iron block to the spring balance and note its reading as well. Adjust the object holder on the iron stand to bring the spring balance with the suspended iron block down into the overflow can. Fully immerse the block in the salty water. Salty water displaces from the overflow can into the beaker. Note down the reading of both the spring balance and the digital balance. Calculate the loss of water and up thrust using the formula. Loss in weight of the body is equal to mass of block in air minus mass of block in salt solution multiplied by acceleration due to gravity. Up thrust is equal to volume of block multiplied by density of salt solution multiplied by acceleration due to gravity. It is found that loss in weight of the body is equal to the up thrust. Hence, Archimedes' principle is verified. So, dear children, you just noticed the whole इस केस में आपने जितना भी आपका बेटे वीडियो में उन्होंने आपको शो कर दिया है कि किस किस हिसाब से किस किस स्टेप में आपने अपने सारे के सारे जो ये आर्टिकल्स हैं बेटे इनको लेकर अपना प्रोसीजर अडॉप्ट करके ये सारे का सारा फिनिश करना है. ये हमने ऑलरेडी अदरवाइज जो है ये कर भी लिया है. एक फर्क आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, वहां पे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अलग से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट हमने डायरेक्टली वो वेट ही ले लिया था बेटे. अगर आप मास की टर्म्स में करोगे देन यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
अदरवाइज जैसे आपको शो किया था दिस इज द केस ऑफ अवर सुप्रीम बैलेंस. अगर हम बेटे ये न्यूटन वाली रीडिंग जो है इसमें ये वाली डायरेक्टली ये स्केल पढ़ लेंगे न्यूटन वाला हेयर इट लाइज बेटे, तो आपको बेटे नो नीड टू गो फॉर विद द कैलकुलेशन ऑफ दैट वॉल्यूम इनटू देन मास इनटू देन जी. आप सिंपली वेट इन द एयर नोट कर लीजिए, वेट इन वाटर नोट कर लीजिए, एंड देन आप लॉस इन द वेट नोट कर लीजिए, न्यूटन वाला स्केल पढ़ लीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन बेटे. सो डियर चिल्ड्रन दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. नहीं बेटे आप थ्रस्ट सिलेबस में नहीं है तो इसका प्रैक्टिकली था वो आपको बता दिया. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे. किसी स्टूडेंट को कोई पॉइंट पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा. इसको बेटे अपनी फाइल पे कंप्लीट कर लीजिएगा. सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटे. थैंक यू ऑल बेटा.